झूठे वादे, जो झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी सरकार ने पिछले 10 साल में देश को जो बैकफुट पे पहुंचाया है, मोदी की जो झूठ है वो उसको गारंटी बता रहे हैं, पर वो झूठ की गारंटी है, इसके अलावा कुछ नहीं। लॉकडाउन में जो गरीब और जो भूखे लोग, जो बेचारे नरम लोग थे, उनको बर्बाद कर देना। कम से कम 350 के ऊपर कांग्रेस गठबंधन जीतने जा रहा है। जनता इस बार करारा जवाब देगी, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ गंगी जमनी तहजीब पे चलेगा, ना कि बंटवारे पे चलेगा। मोदी तो कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी भी दे देंगे, मोदी तो कह रहे थे और भी बहुत कुछ दे देंगे, लेकिन दिया क्या? इसको वोट करोगे इस बार? सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चलते हुए हमारा वाइट लिया। और रही बात ये कि इस बार जनता जो है झूठ पर सच की जीत, कांग्रेस को वोट कर रही है और हम भी कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। जो झूठे वादे, जो झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी सरकार ने पिछले 10 साल में देश को जो बैकफुट पर पहुँचाया है, इस बार जनता कांग्रेस को भारी मत दे करके और बहुत अच्छे मार्जिन से कांग्रेस चुनाव जीत रही है और इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है और सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी कौन से ऐसे काम नाखुश हैं आप? बीजेपी के ऐसे काम है नोटबंदी कर देना, नोटबंदी ये कहकर कर देना कि जो काला धन वापिस आएगा और वापिस वही धन पूरा का पूरा मार्केट में घूम जाना, और GST लगा देना, गरीब की कमर तोड़ देना, लॉकडाउन में जो गरीब और जो भूखे लोग, जो बेचारे नरम लोग थे, उनको बर्बाद कर देना, और 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके जो है युवाओं को फुटपाथ पे लेके आ जाना। अगर गिनाने लगे तो 1000 कमियां ऐसी हैं कि जो बीजेपी सरकार का पूरी तरह से फेलियर रहा है। और सबसे बड़ा जो फेलियर रहा है, इस देश की जो गंगी जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो कंधे से कंधा मिला करके रहते आए हैं आपस में, उन सब लोगों को आपस में जो उन्होंने भेदभाव और जो खाई उत्पन्न करने की कोशिश की है, जनता इस बार करारा जवाब देगी, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ गंगी जमनी तहजीब पर चलेगा, ना कि बंटवारे पर चलेगा। कितनी सीटें आ जाएंगी कांग्रेस को इस बार? कांग्रेस गठबंधन की अगर बात करूं तो कम से कम 350 के ऊपर कांग्रेस गठबंधन जीतने जा रहा है। 400 पार हमारा हो जाएगा? नहीं, ऐसा है मोदी के कहने से, तो मोदी तो कह रहे थे 15 लाख भी खाते में दे देंगे, मोदी तो कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी भी दे देंगे, मोदी तो कह रहे थे और भी बहुत कुछ दे देंगे, लेकिन दिया क्या? मोदी तो कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी भी दे देंगे, मोदी तो कह रहे थे और भी बहुत कुछ दे देंगे, लेकिन दिया क्या? 15 लाख का क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? तो मेरा कहने का मतलब है कि मोदी के सब कुछ कहने से ये देश नहीं चलेगा, और मोदी के सब कुछ कहने से, मोदी की जो झूठ है वो उसको गारंटी बता रहे हैं, पर वो झूठ की गारंटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो गारंटी झूठ की गारंटी है, ये सब लोग और पूरा देश देख रहा है कि उसकी गारंटी थी कि मैं 50 दिन में काला धन वापस ले आऊंगा, आया क्या? 15 लाख खातों में दूंगा, मिला क्या? मतलब झूठ पे जो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो इस देश की जनता इतनी समझदार है कि वो बीजेपी के बहकावे में आने वाली नहीं है, और एक तरफा जो है इंडिया गठबंधन को वो वोट करेगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी, इस देश में फिर से खुशहाली आपसी भाईचारा वापस कायम होगा। राजस्थान में कितनी सीटें आ जाएंगी? राजस्थान में कम से कम मेरा मानना है कि पिछली बार 25 के 25 बीजेपी ले गई थी, लेकिन इस बार कम से कम एनडीए को मानिए, बीजेपी को मिली थी 1 सीट, गठबंधन में गई थी, इस बार कम से कम 20+ कांग्रेस जीतने जा रही है, ये पक्का होगा। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।